पहली बात इन संतों ने बताई कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है, ये उसकी बड़ी देन है जो हमें प्राप्त है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है, बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। बड़ी दया कृपा कर हमें ईश्वर ने ये मौका दिया और हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पाव सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाव साधन दाम मोक्ष कर द्वार पायन जही परलोक सवार। ऐसी मनुष्य योनि जो बड़े भाग से मिली है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि एक ऐसा साधन का क्षेत्र है, मोक्ष का दरवाजा है। इसमें ही परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। यदि हम चाहें प्रतिशील हों उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसी योनि है, इसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं। तो ऐसा अवसर ईश्वर ने हमें दिया, हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए, जितने धर्म हुए, जितने पंथ हुए, सब ने मनुष्य योनि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कबीर दास जी ने कहा है कि कबीरा हर की भक्ति कर तज विशारस चोंच, बार बार नहीं पाइए मानस जन्म की मौच। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी मिथ्या जन्म बिगार, मानस जन्म गरीब न फिर कर ले हरी सो प्यार। ऐसा सुंदर अवसर में परमात्मा ने दिया। हमारे महर्षियों ने हमें बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो या सन्यासी, आपको आधा घंटा प्रातः संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल, ये दो समय निश्चित कर दिए कि संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा की पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज़्यादा करते हैं। यदि हम उनसे पूछें कि आपको इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो चार बात बताने के में खामोश हो जाते हैं। पहली बात ये कि भाई ईश्वर का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, उनके देखा देखी हम करते हैं, हमारे देखा देखी हमारे बच्चे करते हैं, गॉड फियरिंग है, अच्छा है। और आप इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं? अगर हम उनसे पूछें कि इस पूजा का आपको क्या लाभ हुआ, ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक तरीका बतलाते हैं, यदि इस तरीके से आप पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। और उन्हें ऐसा तरीका बतलाया जिसे हर कोई अपना सके, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके। ऐसी बात बतलाई और वह मैं आपके सामने रखूंगा। हर मजहब में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी, दूसरे निराकार। अब बहुत पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, नई बात नहीं। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी होते हैं, और लेकिन ये सब होते हुए आज तक दोनों कायम हैं। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, शक्ल से प्यार होता है, मूर्ति से प्यार होता है, अब कुछ लोगों को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वो है साकार पुजारी, और जिन्हें सूरत शक्ल से प्यार नहीं होता वो है निराकार।
इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी हैं उनका सबसे ऊंचा काम एक इष्ट का निश्चित करना। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की ऐसी कौन सी मूरत है जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो, सबसे प्यारी लगती हो, उसे अपनाएं, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों माँ की, अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वह चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है, और उससे ऊपर उठे तो मैं कहूँगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना। ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता आ जाए वह जब भी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। पूजा कैसे करें, कुशा या कंबल का आसन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, रात्रि का वस्त्र बदल कर बैठे हैं। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बैठें। कल्पना करें कि आपका इष्ट सह शरीर आपके सामने विद्यमान है, फिर कोई भक्ति भरा भजन गाइए तो क्या होगा, आपके वैर मुखी विचारों की दुनिया से मन हटकर ईश्वर की तरफ, अपने इष्ट की तरफ लगेगा। और फिर क्या हुआ, और इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर देखिए, जब बिहार की तरफ ध्यान बन जाए उस पवित्र मूरत को अपने हृदय में उतारिए, बैठाइए बड़े प्यार से, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं। जब मन हट जाए तब फिर प्यार से ऐसी मूर्ति पर जमाएं, फिर ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे उसी के ध्यान में लौटेंगे, और उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी। आपका हृदय मस्तक आनंद से भर गया, जितना मस्तक पर भार था भी हल्का हो गया। ये है पूजा का तरीका जो इन संत महात्माओं ने बताया साकार पुजारियों के लिए। अगर ऐसे पूजा करेंगे तो विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक है, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते। वे उनके नाम को चुने जो उनकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही होंगे, हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। जो आपकी आत्मा को नाम प्यारा लगे उसे चुनिए, बड़े प्यार से उसको पकड़िए, उसी आसन पर बैठें, सुख आसन से आनंदमय अवस्था बनाइए। और फिर ये ख्याल करें आपका हृदय जो दुख दुख करता है उस बीट होती है उसमें से ओम नाम निकल रहा है, जो जो नाम चुना है वह निकल रहा है, हृदय ओम ओम कह रहा है, जवान नहीं कह रही। शुरू शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं, ओम ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है, ऐसी हालत पैदा होती है।
ना कोई दूसरा विचार रहता ना ख्याल, उसमें ऐसे तल्लीन हो जाते हैं, अपना होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं, विचार शून्य अवस्था। फिर जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं, फिर हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो इन संतों ने यह तरीका पूजा का बतलाया, यदि ऐसे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी। तो अभी एक भजन होगा, भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट की याद करेंगे, अपने अपने परमात्मा का ध्यान करेंगे। बिन देखे तिहारे मैं मर जाऊंगी, तेरी एक ही नजरिया में तर जाऊंगी। बिन देखे तिहारे मैं मर जाऊंगी, आजा पिया प्यारे दर्श दिखा जा, आजा पिया प्यारे दर्श दिखा जा, मैं मूसा नहीं हूँ जो डर जाऊंगी। बिन देखे तिहारे मैं मर जाऊंगी, प्रीत तिहारी मैं मन में रखूंगी, प्रीत तिहारी मैं मन में रखूंगी, पूछेगा कोई मुकर जाऊंगी। बिन देखे तिहारे मैं मर जाऊंगी, दास गरीब की झोली भरी है, दास गरीब की झोली भरी है, गागर नहीं हूँ जो भर जाऊंगी। बिन देखे तिहारे मैं मर जाऊंगी, तेरी एक ही नजरिया में तर जाऊंगी। बिन देखे तिहारे मैं मर जाऊंगी।
ओम जय सतगुरुदेव, जय पद शरणम। श्री ब्रिजमोहन वचनामृत परिच्छेद 3, अक्टूबर सन 1950, एटा सत्संग। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोषी निहारा, दुर्लभ जनति सकल संसारा। महापुरुषों और महात्माओं की जीवनी प्रत्येक मनुष्य के जीवन को उज्ज्वलित ही नहीं करती, वरना संपर्क में आए हुए जीवों को हर प्रकार की उन्नति के पथ पर आरूढ़ कर देती है। उनमें प्रभु की शक्ति केंद्रित होती है, जो कठोर से कठोर अनिश्वरवादी नास्तिक को उस परम पिता के सम्मुख घुटने ही नहीं टिकवा देती, बल्कि उस जीव को हमेशा के लिए अपने असल आधार की ओर आकर्षित कर देती है। फिर उस पथ पर चलना या विचलित होना उसके कर्तव्य और पूर्व संस्कारों पर निर्भर है। इसी कारण ऐसी विभूतियों तथा उनके जीवन की घटनाओं का अनुशीलन और मनन करने का विद्वान लोग आदेश करते हैं। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर तथा अपनी आध्यात्मिक पिपासा की तृप्ति के लिए श्री सतगुरुदेव परम संत महात्मा श्री ब्रिजमोहन लाल जी महाराज के जीवन की घटनाओं व उपदेशों के संबंध में कुछ लिखने का यह प्रयत्न अपनी लेखनी तथा मन को पवित्र करना मात्र ही है। पूर्ण रीति से न जाना ही जा सकता है और न बखाना ही जा सकता है, क्योंकि जन्म कर्म च मे दिव्यम और हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि स्वरूप पृथ्वी पर संता। यह अक्टूबर मास 1950 की 19 तारीख थी, जब इस दास की तीर्थ यात्रा आरंभ हुई। पवन पावन गंगा में स्नान किए बिना लगभग 10 माह हो चुके थे। मन प्रभु दर्शनों को अकुला उठा था, परंतु परिस्थितियों के कारण कोई विशेष आशा न रह गई थी कि दशहरे की छुट्टियों में यह दास आपके दर्शन लाभ प्राप्त कर सकेगा। कारण यह था कि घर पर धर्मपत्नी तथा 2 बच्चे टाइफाइड से पड़े थे। 12 अक्टूबर 1950 को जब श्रीमान ओवरसियर साहब श्री भगवत प्रसाद भट्टागर जी दिल्ली से एटा जाने लगे, तब इसने आपसे नम्र निवेदन किया था कि सरकार से यहाँ की हालत बता दें तथा इसकी ओर से क्षमा प्रार्थना निवेदन कर दें कि दशहरे पर हाजिर न हो सकेगा। यद्यपि बहुत दिनों से इन छुट्टियों का प्रोग्राम बनाया गया था, परंतु ऊपर लिखित परिस्थिति के कारण बस प्रभु कृपा की एक आशा थी, वरना जाहिरा कोई सामान इस इच्छा पूर्ति का न था। यह कहना कि यह दास प्रभु सेवा में उपस्थित हुआ भूल होगी, क्योंकि सच तो यह है कि आपने स्वयं ही कृपा करके इसको एटा खींच बुलवाया। एकाएक हालत ऐसे बदली कि दशहरे से 2 रोज पहले ही सबका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। ऊपर उधर इसके छोटे भाई डॉक्टर सतपाल जी, जो पीलीभीत में पढ़ रहे थे, आ गए। उन पर मरीजों को छोड़कर प्रातः 19 अक्टूबर सन 1950 को यह दास अलीगढ़ के लिए रवाना हुआ। अलीगढ़ से बस में बैठकर लगभग 6 बजे शाम एटा जा पहुंचा। जाकर प्रभु चरण धूली मस्तक पर चढ़ा, इसने अपने को धन्य समझा। क्योंकि प्रोग्राम यकायक बना था, इसलिए अपने आने की इत्तला भी न भेज सका था। इस दास को चरणों में देखकर आपने एक शेर पढ़ा, जिसका ध्यान तो इसे अब नहीं रहा, परंतु था हकीकी इश्क पर, जिसे सुनकर श्रीमान ओवरसियर साहब रो उठे थे। इसकी आंखों से भी आंसू छलक उठे थे। यह कोई नई बात नहीं थी, ऐसा तो इसके साथ हमेशा ही उन पवित्र चरणों में उपस्थित होने पर होता ही था। एक अजीब प्रेम हृदय में फूट निकलता था।
ऐसे प्रेम आकर्षण का अनुभव अपने सब ही भाइयों ने सदैव किया ही है। आपने फिर बड़े ही प्रेम से फरमाया कि हम तुम्हें आज याद ही कर रहे थे, आज सुबह ही हमने यहाँ सबसे कह दिया था कि यशपाल आने वाला है, आओ जल्दी खाना खा लो, आज तुम्हारे मन के खिलाफ सिनेमा देखने चलेंगे। हमने तुम्हारा टिकट मंगवा कर पहले ही रख लिया है। पूजनीय माता जी ने कहा, अगर तुम आज ना आते तो सिनेमा के सारे पैसे तुमसे ही वसूल किए जाते। सरकार ने मुस्करा कर कहा, इनसे क्यों हमसे वसूल करती। तत्पश्चात दास को अपने साथ ही अपनी थाली में भोजन करने का आदेश दिया। भोजन करने के पश्चात सिनेमा जाने के लिए तैयारी हुई। इसने ऐसे अनेक अनुभव किए थे जिससे यह प्रत्यक्ष सा सिद्ध होता था कि मानो आप सदैव ही साथ साथ रहते हों और सब कुछ देखते व जानते हों। यह शायद इसके इस विश्वास का पुष्टिकरण था जो आपने यह खेल खेला था। श्रीमान ओवरसियर साहब ने कहा, सरकार ने तुम्हारे आने के लिए कहा तो ताजुब सा हुआ कि वह कैसे आ सकता है, उसके घर की हालत तो मैंने स्वयं देखी थी और यहाँ टिकट भी खरीद लिया था। भाई तुम में सच्चा प्रेम है जो सरकार की इच्छा होते ही खिंचाए। किसने कहा कि इसकी क्या ताकत थी जो आ जाता, यह कहिए कि उन्होंने बुला लिया। यह उनकी असीम कृपा ही है। आपने इन सब भावों को जान लिया और बहुत ही मधुर कंठ से निम्नलिखित पद कहा, गुरु के साथ होने का यकीन मुश्किल से आता है, गुरु साथ है हर दम तो फिर बेकसी कैसी। आपने फरमाया कि व्यवहार में सच्ची शुद्धता व पवित्रता तब तक पूर्ण रूप से नहीं आ सकती जब तक मनुष्य की आत्मा को अनुभव से यह ज्ञान न हो जाए कि वह हमेशा अपने इष्ट देव को देख रहा है और उसके इष्ट देव हर क्षण उसको देख रहे हैं। साधक के हृदय में प्रेम का एक डर बराबर बना रहता है और उसका व्यवहार कभी गलत हो ही नहीं सकता, और यदि कभी अनजाने हुआ भी तो अपनी आत्मा को फौरन खटक जाता है, हृदय कलुषित हो जाता है जो बिना पश्चाताप की अग्नि में तपाए फिर अपनी पुरानी हालत पर नहीं आता। इसी अभ्यास के लगातार होते रहने पर सद्व्यवहार में धीरे धीरे स्थिति होने लगती है और उधर दिल मालिक के प्रेम में चूर चूर रहता है। इस वातावरण में हम सब ने सिनेमा के लिए प्रस्थान किया। सिनेमा घर पहुंचे तो मालूम हुआ आज राम विवाह खेल दिखाया जाएगा। एक बार और यह सिनेमा बुलंदशहर में सदगुरु देव जी के साथ देख चुका था। उस बार इसकी आंखें खेल शुरू होने से पूर्व ही मिच गई थीं और हृदय में अनुपम मधुर राग का अनुभव हुआ था, परंतु इस बार आंखें तो खुली रहीं और बराबर पर्दे को देखती रहीं, परंतु दिल की आंखें उस महान आत्मा के कृपा प्रसाद से प्रभु चरणों में निरंतर लगी रहीं। दिल की जो वास्तविक हालत थी उसका वर्णन शब्दों में कर सकना यह असंभव समझता है, क्योंकि यह तो अनुभव का ही विषय है। मालूम होता था कि दिल कहीं दूसरी जगह बंधा है। इसलिए यद्यपि आंखें खुलती थीं, पर्दे पर तस्वीरें दिखाई दे रही थीं, कान गाने तथा डायलॉग सुन रहे थे, परंतु इन सब में कोई आकर्षण न था। लाइफ ही महसूस नहीं होती थी, निर्जीव से प्रतीत होते थे, जैसे कोई मनुष्य सड़क पर जा रहा है और किसी विचार में व्यस्त है तो वह रास्ते के पेड़ पौधे मकान दुकान देख सब कुछ रहा है और सुन भी सब कुछ रहा है, परंतु उसने क्या देखा क्या सुना इसका संस्कार उसके हृदय पट पर नहीं बन पाता। ठीक ऐसी ही दशा परंतु दिल ही की एक विशेष हालत के साथ इस दास की थी। कभी कभी आंखें भी स्वतः ही मिच जाती थी। सबसे सुंदर बात जो इस खेल में लगी वह थी श्री रामचंद्र जी के पवित्र उद्गार अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी के लिए, कोट सच्चा पथ प्रदर्शक कभी गलती नहीं करता अनकोट। दुर्गम
जल में भी किसी प्रयोजन से ही ले जाता है। सिनेमा समाप्त हुआ, हम सब घर वापिस आए। रास्ते में आत्मा ने कहा कि यदि सद्गुरु कृपा हो और ठीक ठीक अभ्यास किया जाए तो दिल को संसार में रहते हुए भी अधिक से अधिक उद्वेगवान अवसर पर ही बाह्य संस्कारों से दूर रखा जा सकता है। घर पर रात्रि में बड़ा ही उच्च कोटि का सत्संग रहा। सब भाई आत्मानंद में झूमते रहे। शांति का अनुपम समा बंधा था। सबके हृदय सांसारिक तापों से रहित होकर आनंद विभोर थे कि हुजूर महाराज ने फरमाया, हम मानते हैं इश्क का रास्ता है पुर खतर, लेकिन बगैर तय किए टलने के हम नहीं। आपने बड़े ही सारगर्भित शब्दों में बतलाया कि साधक को किसी मंजिल पर शांत होकर या यह समझकर बैठे न रहना चाहिए कि अब तो सब कुछ पा लिया है, सब कुछ जान लिया। लामहदूद असीम को किसने जाना है, अगम समुद्र की थाह किसने ली है। जितना ही गहरा गोता मारो उतने ही मोती हाथ लगें। ईश्वर प्राप्ति की एक लगन दिल में बराबर सुलगती रहे। यह आग कभी न बुझे जब तक अपने इष्ट में तद्रूप न हो जाएं, तब ज्योति में ज्योति मिल जाएगी। ऋषि मुनियों ने वेदों में नेति नेति करके छोड़ दिया। शांति की अनेक परिस्थितियां हैं, कहीं पर संतुष्ट होकर न बैठ जाएं, जहां संतुष्ट होकर स्टैग्नेशन अटकाव आ जाएगा। साधना की आग दिल से बुझी और गिरावट पैदा हुई। दिल में जहां संतुष्ट हुआ गिरावट को न्योता दिया। हर मंजिल पर अनुभव ज्ञान होता जाता है, पर केवल ज्ञान साधना रहित हृदय को उसके उच्चतम स्थान पर स्थिर रखने में असमर्थ है। दुनिया के झकोरे उसे बराबर धीरे धीरे गिरावट की ओर ले जाते हैं और स्टैग्नेशन की हालत को ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन शनै शनै पतन में परिणित कर देती है। संतुष्ट हुआ साधक ख्याल से यही समझे रहता है कि वह अपने पहुंचे स्थान पर कायम है, जबकि वह वास्तव में गिर चुका है। फिर धीरे धीरे उसे अपनी गिरावट महसूस होने लगती है। यह कड़ी मेहनत और सेक्रीफाइस त्याग से तथा सदगुरु की असीम कृपा से अनुभव किया हुआ ज्ञान मात्र ही रह जाता है, जबकि साधक की व्यवहारिक स्थिति वास्तव में उस कोटि की नहीं होती। इस ज्ञान और किताबी ज्ञान में अंतर यह है कि इस ज्ञान के बाद आत्मा में विवेक तथा शांति आ जाती है। जिस आत्मिक सुख का अनुभव साधक ने उस स्थिति पर पहुंचकर किया था, उसकी याद हृदय में बराबर बनी रहती है, जबकि किताबी ज्ञान से असली शांति नहीं प्राप्त होती और न आत्म सुख का ही अनुभव होता है। जो कुछ होता है वह केवल दिमागी सजावट डेकोरेशन से अधिक कुछ नहीं। हजूर महाराज ने फिर बतलाया कि प्रेम से यह आसानी से तय किया जा सकता है। प्रेम इस मार्ग में स्फूर्तिदायक शक्ति मोटिव फोर्स है, जो साधक को मंजिल की ओर आसानी से ले जाता है। प्रेम में अतुलित शक्ति है। प्रेम की डोर में बंधा साधक ही अपने पहुंचे हुए स्थान पर कायम रहता है और इस प्रेम के कार द्वारा ही आगे का रास्ता बराबर खुलता रहता है। इस प्रेम द्वारा ही नए नए अनुभव होते रहते हैं, जिनसे वास्तविक ज्ञान और आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। मन को आत्मा में ही समर्पण करने की आदत बन जाती है। वे ध्यान का ध्यान होने लगता है। एकाग्रता सहज ही प्राप्त हो जाती है, परंतु सच्चा प्रेम बिना त्याग सेक्रीफाइस के होना असंभव है। अपने सदगुरु की हद में अपनी हद खत्म करना ऊंची श्रेणी का त्याग है। ऐसा करने से काम क्रोध लोभ और मोह स्वतः ही अपनी कुचाल छोड़कर साधक को शाहराह पर अग्रसर करते हैं। सतगुरु का नाम लेते ही आप पर जो बीतती थी उसका अंदाजा होना असंभव ही है। जैसे ही गुरु शब्द आपके मुख से निकलता था, आपका हृदय सदगुरु प्रेम में ऐसा चूर चूर हो जाता था कि उसकी कसक साफ नजर और महसूस सुनने वालों को ही हो जाती थी। आपकी एक अजीब प्रेममयी हालत हो जाती थी, जो दूसरे हृदय में भी जज्ब की एक लहर पैदा कर देती थी। आपने बड़े ही प्रेम में मधुर शब्दों में गाया, बिन गुरु कर्म धर्म नहीं सूझा, बिन गुरु ज्ञान ध्यान नहीं पूजा, बिन गुरु भक्ति भाव नहीं जागे,
बिन गुरु प्रेम ज्ञान नहीं पागे। बिन गुरु हरि मन रहे छिपाई, बिन गुरु सार भेद नहीं पाई। बिन गुरु दीख परे अंधियारा, बिन गुरु लखे न घट उजियारा। प्रीत गरीब राख गुरु ही सो, हृदय होय दर्श घट में हरि पिए सो। गुरुरात्रि के 10:30 बज चुके थे और सत्संग समाप्त हुआ। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सतगुरुदेव, जय परशुराम, श्री सुखमनी साहिब। अवल गुरु को बंदगी, जुग गुरु को प्रणाम, सतगुरु को आदाब है, श्री गुरुदेव सलाम। रब की याद बसा ले मन में, रब तेरा लाफानी है। उल्फत छोड़ इंसानों की, सब प्यार ये तेरा फानी है। उससे बढ़कर और नहीं कुछ, उससे आली कोई नहीं। हर शय में बेरोक वही है, उससे खाली कोई नहीं। सब कुछ उस पर रोशन है, वे बीना है, वे दाना है। गहरा और उथला भी है, वे दानिशमंद से आना है। पाक खुदा परमेश्वर है, गोविंद है पालनहार है। वे रहमत का वे मचन है, रहमान है वे गफार है। साध जो तेरे प्यारे है, सुख पाऊं मैं उनके कदमों में। नानक की ये ख्वाहिश है, लग जाऊं मैं उनके कदमों में। सबका मंशा पूरा करके, सबको आप बचाता है। जो उसने लिख रखा है, वे पूरा होता जाता है। आए दुनिया जाए दुनिया, उसके एक इशारे से। वाकिब और नहीं कोई भी, उसके मंत्र न्यारे से। रूप अनंद उसी का है कुछ, उसको रंज मलाल नहीं। सुनता हूँ मैं घर में उसके, चीज किसी का काल नहीं। राजों में वह राजा है, और जोगी हो तो जोगी है। तप वालों में तप वाला है, घर वालों में भोगी है। भक्त जो हर दम ध्यान लगाए, चैन उसे मिल जाएगा। ऐसा आली मस्ती का कुछ, नानक अंत न पाएगा। उसने ऐसी लीला धारी, जिसका अंत न आया है। देवता सब थक थक कर हारी, भेद कभी उसका पाया है। बच्चे को मालूम हो क्यों कर, बाप कहाँ से आया है। तार में कुल संसार पिरो कर, रब ने हार बनाया है।
जिसको उसने होश दिया है, ज्ञान और ध्यान में पाते हैं, उसके सच्चे दास वही है, उसमें ध्यान लगाते हैं। सतगुण रजगुण तमगुण में वे जिसका मन भरमाता है, जीता है घर मरता है, घर आता है घर जाता है। ऊंचे हो या नीचे हो सब उनके हैं स्थान सदा, जैसा आप समझाए नानक वैसा उसको जान सदा। रूप नए और रंग नए, नरंग नए और ढंग नए, आप रहे एक रंग मगर बारूप है रंगा रंग नई। गुना गुनी जलवों से फैलाता है संसार वही, जात उसकी लाफानी है, एकता है एक ओंकार वही। चाल नहीं और ढाल नहीं, पल पल में स्यांग वह करता जाए, कामिल जाते उसी की है वह, सारे भरने भरता जाए। रंग रंगीली खलक बनाए, खूब दिखाए सुन्नत वह, आप ही अपनी कदर वह जाने, आप ही अपनी कीमत वह। हर मन में घर उसका है, हर घर में उसकी बस्ती है, नाम को जप कर जीता है बस, ये नानक की हस्ती है। नाम के बल पर कायम रह कर खिलकत बस्ती रहती है, नाम के बल पर खेतों तब को संसारों की हस्ती है। नाम के बल पर हिंदू को समृतियां वेद पुराण मिले, नाम के बल पर ज्ञान मिले और नाम के बल पर ध्यान मिले। नाम के बल पर कायम ये आकाश भी है पाताल भी है, नाम के बल पर हासिल सारे जग को स्थिति कलाल भी है। नाम के बल पर घर कायम हो, नगरी में आबादी हो, नाम खुदा का सुनकर हासिल बंदे को आजादी हो। जिसको अपनी रहमत से वे नाम की उल्फत देता है, नानक चौथे दर्जे में वे कामिल मुक्ति लेता है। सच्चाई उसका रूप भी है और सच्चा ही स्थान भी है, खालिस सच्ची उसकी हस्ती जो सब में प्रधान भी है, सच्चे उसके काम भी है और सच्ची उसकी बात भी है, सच्ची उसकी जात भी है, पूरे जिससे मौजूदाद भी है। सच्ची फील सब उसकी है और सच्चा खूब पसारा है, जड़ भी सच है मूल भी सच है, सच्चा पेड़ भी सारा है। खालिस से भी बढ़कर खालिस सच्चा काम बनाए वे, जिसको आप सुझाए वे हर
शय को नेक बनाई वै। सच्चा नाम खुदा का है जो दुनिया का सुख दाता है, ये सच्चाई मान हमेशा नानक गुरु से पाता है। कौन है सच्चा साधुओं का उपदेश वो सच फरमाते हैं, सच्चे वे भी जिनके मन में मंदिर साध बनाते हैं। खालिस सच को जो समझे ये भेद जिसे मिल जाता है, नाम प्रभु का जपता है वे और छुटकारा पाता है। सच्ची जात खुदा की है, सब सच्चा काम बनाया है, अपनी हद और हालत को खुद आप ही उसी ने पाया है। अपनी रचना आप रचे, करता है वे करतार है वे, राय न पूछे और किसी से, पूरा खुद मुख्तार है वे। आप जो खुद मखलूक हुआ खालिक के भेद न पाएगा, जो उसको मंजूर है नानक वे पूरा हो जाएगा। हैरत को भी हैरत है, हैरानी को हैरानी है, जिसने उसको जाना है बस लज्जत उसने जानी है। रब का रंग निराला है, इस रंग में जो रच जाते हैं, गुरु की बातें सुन सुन कर वे आला मकसद पाते हैं। ऐसे दाता लोगों ही से दुख का दूर आजार हुआ, उनके संगत पाने से दुनिया का बेड़ा पार हुआ। अच्छी बागी उन्हीं के हैं जो उनकी सेवा करते हैं, संगते उनकी पा पा कर रब वाहिद का दम भरते हैं। हमद खुदा की करते हैं जो मालिक के गुण गाते हैं, नानक गुरु की रहमत से वे दुनिया में फल पाते हैं। पाँव भी उनके सच्चे हैं जो उनको चूमे सच्चा है, पूजा उसकी सच्ची है जो उसको पूजे सच्चा है, दर्शन उसका सच्चा है और सच्चा है जो दर्शन पाए, नाम भी उसका सच्चा है और सच्चा है जो ध्यान लगाए, जात भी उसकी सच्ची जिसने सब संसार संभाला है, आप ही नेकी आप ही खुद वे नेकी देने वाला है। सच्चा पाक कलाम है उसका, सच्चा है जो कहता है, होश भी सच्चा सच्चा है वे जो उसकी सुनता रहता है। सोच समझ जो रखता है उस दाता को सब सच्चा है, कह नानक रब सच्चा है, रब सच्चा है, रब सच्चा है। सच का रूप समझ कर जिसने दिल में रब को माना है,
करता धरता दुनिया का उस खालिक को पहचाना है, जिसके मन में रब पर अपने ताक है ईमान भी है, उसके मन में ज्ञान है रोशन हासिल सब इरफान भी है। खौफ से वह बेखौफ रहे, कब खौफ को उसने जाना है, जात से जिसकी आया उसमें आखिरकार समाना है। जिनसे कोई हम जिनस में अपने जिस दम आन समाई है, हर्फ दोई का कौन कहे दोनों की दूर जुदाई है। बंदा जिसमें सोच समझ है साफ, उस पर ये बात हुई, नारायण की जात में मिलकर एक ही नानक जात हुई। अपने प्यारे बंदे का वे पर्दा ढाके ऐब छिपाए, इज्जत अपने सेवक की वे सर पर रख कर हाथ बचाए। शान बढ़ाई देने वाला दास को इज्जत देता है, अपना नाम जपाने की सेवक को हिम्मत देता है। मालिक अपने सेवक की खुद शान और इज्जत रखता है, रुतबा उसका कौन बताए ऐसी अजमत रखता है। रब के प्यारे सेवक को फिर कौन पहुंचने वाला है, ऊंचे से वह ऊंचा है, वह बाला से भी बाला है। जिस सेवक को पाक खुदा ने अपनी खिदमत बख्शी है, नानक उस सेवक को उसने हर सो इज्जत बख्शी है, नानक उस सेवक को उसने हर सो इज्जत बख्शी है। ओ जय सतगुरुदेव, जय मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ ही अनुग्रह तोरे, जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति बाए, तब लगी मोहि परिखे हु तुम बाई, सही दुख कंद मूल पल खाई। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी यहाँ सीत ही देखी, होई काज मोही हरक बिसेखी, यह कही नाई सबने कहूँ माथा, चले हरसी हिय धरी रघु नाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं,
काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको नतमस्तक नवाकर हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूदर सुंदर कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर, बार बार रघुबीर संभारी तर के उपवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल ही खेल में कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का वर्णन करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जही गिरी चरण दे हनुमंता चले उसका पाताल तुरंता, जिम यमोग रघुपति कर बाना एही भांति चले ओ हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले और जिस पर से वे उछले वह तुरंत ही पाताल में धस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति धूत बेचारी ते में नाक होई श्रम आरी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान ते ही परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया और प्रणाम करके कहा, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहां। जात पवन सुत देवन देखा जाने कहूं बल बुद्धि विशेखा, सुरसा नाम अहिन के माता पठई नी आई कहीं ते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा, उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षा करने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर श्री हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज करी फिर मैं सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठी हूँ आई सत्य वचन कहूँ जान दे माई, कवने जतन दे नहीं जाना
ग्रसहीन मोहि कहे ओ गनु माना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा और तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा लो। जो जन भरी ते ही बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। सो रह जो जन मुख ते ठयहू, तुरत पवन सुत बतिस भयहू। उसने योजन भर यानी चार कोसों में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन मुख किया, तब हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा। सत जो जन ते ही आनन की ना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन यानी चार कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहेर आवा, मांगा विदा ताई सिर नावा। मोहि सुरन जे ही लाग पटावा, बुद्धि बल मोर्म तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकले और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सभी करिहूं तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्ष चलो हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चरी एक सिंधु महरई, करी माया नब के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिन के परी छाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गहई छा सक सोने उड़ाई। ए विधि सदा गगन चर काई, सोई चल हनुमान कह कीना। तासु कपटी कपि तुर तही चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे।
इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा बारि दीपार गयउ मति धीरा तहां जाई देखी बन शोभा गुंजत चंचरीक मधु लोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि और श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु से लोभ से भोरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए खग मृग वृंद देखी मन भाए शैल विशाल देखी एक आगे तापर धाय चढ़े भय आगे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूहों को देखकर तो वो मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय ताक कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछु कपि कै अधिकाई प्रभु प्रताप जो काल खाई गिरे पर चढ़ी लंका ते देखी कहीं न जाए अति दुर्ग विषेखी। शिव जी कहते हैं हे उमा इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। वह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहुँ पासा कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है उसके चारों ओर समुद्र हैं, सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चहट सट सुभट बीती चारु पुर बहुविधि बना गज बाज खच्चर निकर पद चर रथ बरूथनि को गने बहुरूप निश्चर जूत अति बल चीन बरनत नहीं बने। ओम सत्य प्रेम की देव करुणा सिंधु करुणा कीजिए अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु की मझधार में खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु की मझधार में।
आसरा है दूसरा कोई न इस संसार में, आसरा है दूसरा कोई न इस संसार में, मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है, मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है, निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है, निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है, पाप बोझों से लदी नैया भंवर में जा रही, पाप बोझों से लदी नैया भंवर में जा रही, नाथ दौड़ो बचाओ शीघ्र डूबी जा रही, नाथ दौड़ो बचाओ शीघ्र डूबी जा रही, आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं, आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं, जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं, जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं, सब जगह मैंने भटक कर ली शरण प्रभु आपकी, सब जगह मैंने भटक कर ली आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, परमात्मा तू ही है तेरी इच्छा पूर्ण हो।